कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ हुई हैवानियत के बाद से पूरा देश सुन हो चुका है। हर किसी के दिल में बदले की आग जल रही है। इसी आग को बरकरार रखते हुए नागपुर के पार्डी में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी में मशाल मार्च निकाला गया। शहर के जागरूक युवाओं ने घर घर जाकर लोगों को जागृत किया और मौमिता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाने पर प्रोत्साहित किया, जिसके बाद इस मशाल मार्च में तकरीबन 2000 से अधिक लोग शामिल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किसी की आंखों में गुस्सा है तो किसी की आंखें नम है तो कोई शर्मिंदा है अपने देश की बेटी के साथ इस दरिंदगी का शिकार होता देख। ये लड़ाई यही नहीं थमी, शहर का युवा वर्ग बहुत आक्रोशित है। अमोल सागर, विक्रांत ढोम ने, तेजस सारंगपुरी, मिथिलेश बद्रे, अदिति दुबे, अभिजीत बागड़े, संजय तुरकर समेत कई युवाओं ने इस लड़ाई को और आगे तक ले जाने के लिए जी जान लगा दी है। दुखदायी बात यह है कि इस रैली में वो लड़कियां भी शामिल हुई थी जो इस पीड़ा से खुद भी गुजर चुकी है। उनकी आंखों में वो तकलीफ थी, वो गुस्सा था, इसीलिए मौमिता को इंसाफ दिलाने वो भी इस जंग का हिस्सा बनी है। क्या कुछ हुआ इस रैली में, देखिए हमारे संवाददाता आदित्य दुबे के साथ। सिर्फ मोमिता या निर्भया या उन सारी लड़कियों के लिए हम किसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं? खुद के लिए। किसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं? हमारे पुरुषों से, हमारे भाइयों से भी निवेदन है, आप लोग अपने बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप लोग भी एक सुर में नारा लगाए, एक साथ आप लोग भी आवाज उठाए। इस तरह मास्क लगाकर मौन रहने से मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। तो आप सब भी बोले, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए भाई? लोगों का एग्रेशन, लोगों का आक्रोश जो हमारी महिलाओं के अंदर है पार्टी के, आइए हम उनसे बातचीत करके समझते हैं क्योंकि क्या मांग है हमारी सरकार से, क्या मांग करते हैं वो रेपिस्ट के खिलाफ में और क्या सोचते हैं हमारी महिला, आइए देखते हैं। मैम आपका नाम क्या है? ये पुलिस क्या करती है ना, ऐसे लोगों को पकड़ती है, कुछ महीने जेल में रखती है और छोड़ देती है। तो यही करना चाहिए कि पब्लिक के हवाले करो, क्योंकि पुलिस से अच्छा वही जानती है कि उनके साथ क्या करो। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ रही है मैम से बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस वैशाली राम प्रभु। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप ने, बेटी तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन हर एक माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाना चाहिए कि महिलाओं की तरफ कैसे, किस तरीके से देखना चाहिए। और अरे रात में भी वो लड़की सुरक्षित जा सके रास्ते में, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। और मेरे विचार से ये कहना है कि जो रेपिस्ट रहते हैं ना, उनको कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाता है, उनको तुरंत ही, अगर तुरंत ही उनको फांसी दे दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आइए देखते हैं कुछ और महिलाओं से और पार्टी के पुरुषों से बात कर लेते हैं कि वो क्या विचारधाराएं रखते हैं। आइए हमारे साथ। ये जो मशाले हाथ में ले रखी हैं, इसे क्या दिखाना चाहती हैं आप? इस मशाल का क्या मतलब होगा? मशाल इसलिए दिखाई गई है कि अभी एक लड़की के साथ हुआ है, कल और लड़कियों के साथ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी को अपना नहीं बदलना चाहिए, ये सब लड़कियों के बारे में देखना कि बाकी के लोग देखते हैं दूसरे लड़कियों को कि ये लड़की ऐसी जा रही है वैसे, यानी किसी के कपड़े से या किसी चीज से किसी को बोलना नहीं चाहिए। मैम ये जो मशाल आपने हाथ पे पकड़ रही है, जो कुछ वक्त में अभी जलाया जाएगा, तो इस मशाल से आप क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? ये मशाल शांति का प्रतीक है और नेक्स्ट टाइम अगर किसी लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो इसी मशाल से वो जिस जो पर्सन ऐसा करेगा उस पर्सन को जिंदा जलाया जाएगा इसी मशाल से। तो आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, उनके चेहरे पर जो एग्रेशन है, जो आक्रोश है वो लेकर आई है हमारे इस भवानी मंदिर के ग्राउंड पे, जो ये प्रोटेस्ट के लिए रैली निकालने वाली है, वो क्या चाहती है और क्या कहती है? तो सारिका जी आप यहाँ आई हैं, आप क्या सोच कर आई हैं, आप क्या चाहती हैं हमारी सरकार से, आप क्या चाहती हैं कि क्या सजा मिले हमारे रैपिस्ट को जो करते हैं इस तरह से हमारी बेटियों बहनों के साथ में? हमारे बेटियों और बहनों के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, इन रैपिस्ट के साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि तुरंत ना पुलिस में रिपोर्ट जाए और ना ही किसी के पास में, इनको जनता के हवाले कर देना चाहिए और जनता इसका फैसला करे उस हिसाब से, और ऐसी मौत दो ताकि
कभी दूसरी बार ये काम ना कर सके। आज हमारी बहू बेटियां आज घर के बाहर निकल रही है, आज मेरी भी बेटी आज जो ये काम इसमें आगे बढ़ रही है, आज घर के बाहर निकलती तो हमको डर रहता है कि बेटियां बाहर निकल रही है तो कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। आज इन लोगों के वजह से आज बच्चियों को हम कुछ आगे बढ़ने नहीं दे सकते। नमस्ते, देखो हम आदिवासी है, हम कर्नाटक मैसूर से हम आदिवासी होते है, हम जंगल में जाको ये सो हाथ जड़ी बूटी लगा को और हाथों से तेल बनाने होते है सर। ये तेल लगाने से अपने दिन में 10 बाल 15 बाल झड़ रहे हैं ना, 5-6 दिन में बाल झड़ना टूटना रुकावट करेगा। इधर से झड़ गया ना उधर से नया बाल उगता है, नया बाल उगता है, गंजापन हो गया, गंजापन के नया बाल उगता है। माथे में डेंड्रफ, खुजली, दूसरी कोंडा कुछ भी रहते थे, 5 दिन में हट जाएगा सर, हट जाते हैं। इसी तरह 108 जड़ी बूटी हम डालको यही तेल बनाने का तेल होता है। ये हमारा तेल ओरिजिनल आदिवासी का तेल चाहिए तो महाराष्ट्र में आपको चाहिए तो मिलता है। महाराष्ट्र में हमारा ब्रांड तेल का शॉप का नाम है ओनली सुन्नू एंटरप्राइज, उधर जाकर खरीद सकते हैं सर, ओरिजिनल तेल उधर ही मिलता है। कर्नाटक के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। एजेंसी जॉब और